नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम क्लास 6 के इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 17 पढ़ेंगे, जो है कि आंसर विद यस एंड नो। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस, यानी कि पास्ट सिंपल, ऐसे हिंदी वाले वाक्य जिसके अंत में था, थे, थी आते हैं, वो वाले वाक्य हम पास्ट सिंपल में बनाते हैं। और पास्ट सिंपल एक मात्र टेंस है जिसके अफर्मेटिव साधारण वाक्य में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसका नियम बनता है, पहले सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर आता है ऑब्जेक्ट। उसी के जब हम उसका नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं जो कि डिड लगती है। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आता है डिड, फिर नॉट और फिर आता है अपना ऑब्जेक्ट। और उसी के जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, वो हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो पहले आती है हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर आता है सब्जेक्ट और फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब उसी कड़ी में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ऐसे प्रश्न जिसके हम यस नो में आंसर दे सकते हैं। तो जो भी सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, डिड, जो भी सेंटेंस या वाक्य के प्रारंभ में जब क्या लिखा है वो सब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हम उनके आंसर यस या नो में देते हैं। तो आज हम यस और नो में आंसर देने वाले जो क्वेश्चन है हेल्पिंग वर्ब वाले, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले आएगा अपना परसेंट कंटिन्यूअस टेंस। परसेंट कंटिन्यूअस जो कि हमने पहले पढ़ा था उसमें ये हेल्पिंग वर्ब जिसमें इज, एम, आर, यानी वो टेंस जिसमें इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब होती है वो टेंस कहलाता है परसेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले ये पढ़ेंगे हम कि इज, एम, आर की हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चंस के हम आंसर कैसे दें। और एक बात ध्यान रखना, जब हम क्वेश्चंस के आंसर दें, यदि क्वेश्चन में आई दिया हुआ है, यदि आई प्रोनाउन दिया हुआ है, तो जब हम उसको उसका आंसर देंगे तो उसको हम यू में चेंज कर देंगे। और यदि यू दिया हुआ है तो उसको हम आई में चेंज कर देंगे। और यदि योर प्रोनाउन दिया हुआ है तो उसको हम आंसर देते समय माई में चेंज कर देंगे। और यदि माई दिया हुआ है तो उसको हम चेंज कर देंगे योर में। जैसे कि सामने वाले ने पूछा क्वेश्चन, आर यू लर्निंग संस्कृत, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और संस्कृत। जैसा मैंने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था कि जो सेंटेंस है आर, यानी ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, पीछे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। अब जब हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है, इसकी हिंदी क्या होगी, आर यू लर्निंग संस्कृत, क्या तुम संस्कृत सीखते हो या तुम संस्कृत याद करते हो, तो अगला आंसर यदि करता है तो आंसर देगा यस। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यू को हम चेंज कर देंगे आई में। और जैसे यहां पे जो आर लगा है, आर लगा है यू के हिसाब से, क्योंकि आपको पता होगा कि इच जो हेल्पिंग वर्ब से यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और जो आर है इसका यूज हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो यू अपना सब्जेक्ट था प्लूरल, तो यू के हिसाब से यहां पर आर लगा है, एकदम से यू को चेंज कर दिया आई, तो आई के हिसाब से आई की हेल्पिंग वर्ब एम। तो आंसर बनेगा यस, आई एम लर्निंग संस्कृत। जैसा मैंने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस में तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो आंसर देगा यस, आई एम लर्निंग संस्कृत। अब यदि वो संस्कृत नहीं पढ़ता है तो वो आंसर देगा नो। और जैसे मैंने पढ़ा था कि नेगेटिव सेंटेंस में जब पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर हम लगाते हैं नॉट और फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो आंसर देगा नो, आई एम नॉट लर्निंग संस्कृत, नहीं मैं संस्कृत नहीं पढ़ता हूं या सीखता हूं। अब सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि इज सी कुकिंग राइस, अब सी के साथ इज क्यों आया, ये हमने पहले पढ़ा था कि इज जो है उसका हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आर का हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और आई के साथ हमेशा हम यूज करते हैं एम का। अब क्या वह चावल पकाती है, आंसर पक्का जो बोलेगी यस सी इज कुकिंग राइस, हाँ वह चावल पकाती है, और नहीं है तो बोलेंगे नो सी इज नॉट कुकिंग राइस, नहीं वो चावल नहीं पका। अब उसी के हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान होती है जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है वाज और वर्ब। वाज का हम यूज करते हैं वो, यानी यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम आई तो हम वाज का प्रयोग करते हैं, और यदि अपना सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम व
वर का प्रयोग करते हैं, उसकी पहचान है वॉज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब। अब देखो जब पूछेंगे क्वेश्चन वर यू बाइंग टिकट्स, क्या तुम टिकट खरीद रहे हो, यदि खरीद रहे हो तो आंसर देगा यस आई वॉज बाइंग टिकट। जैसे कि यू के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई वर, क्योंकि यू अपना सब्जेक्ट है प्लूरल, लेकिन आई को इसमें मान है सिंगुलर, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज। आंसर होगा यस आई वॉज बाइंग टिकट, हाँ मैं टिकट खरीद रहा हूँ या रही हूँ। फिर सेकेंड है वॉज ही रनिंग, जैसा कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर आया है आपके वॉज। मैंने पहले ही कहा था कि वॉज का प्रयोग होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर का होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो क्या वह दौड़ रहा है, दौड़ा बोलेगा यस ही वॉज रनिंग, हाँ वह दौड़ रहा है, और नहीं तो नो ही वॉज नॉट रनिंग। जैसा कि पहले कहा था मैंने, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पहले यस लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर आएगा आपका वर्ब प्लस आईएनजी। और जैसे नो है तो पहले नो, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, और फिर आएगा रनिंग। उसी तरह हम करेंगे पास से, इसका थोड़ा ध्यान रखना, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाला जो हेल्पिंग वर्ब थी वही लगाते हैं, लेकिन जो पास सिंगुलर में आपकी हेल्पिंग वर्ब थी डिड। अब डिड का प्रयोग हम केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं, लेकिन जब आप ये सेंटेंस जब वो आपसे आंसर पूछ रहा है, क्वेश्चन तो होगा इंट्रोगेटिव है, जब हम उसका आंसर देंगे तो सेंटेंस होता है अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव हमें ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और जब उसी सेंटेंस में हम नेगेटिव आंसर देंगे तो डिड आएगा, डिड के साथ नॉट, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फॉर्म आएगी फर्स्ट। जैसे डिड सी ईट एन ऑरेंज, अब ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वैल्यू डिड आएगी और डिड के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब वो आंसर देगा तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा, आपका सेंटेंस बनेगा अफर्मेटिव में। जैसे यस सी एच, अब हमने यहां पर एच क्यों लगाया, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था पास सिंपल टेंस, उसकी क्या थी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब के सेकंड फॉर्म, और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो अब ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, इसको यदि आंसर देगा अफर्मेटिव है तो आंसर लिखेगा यस सी एट एन और हाँ उसने संतरा खाया, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। और यदि हम नेगेटिव में आंसर देंगे तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा और डिड के साथ आपको लगानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सही आएगा नो सी डिड नॉट ईट एन ऑरेंज। तो विशेष रूप से हमें पास सिंपल टेंस का ध्यान रखना है। तो आज हमने पढ़ा आंसर विद यस यस एंड नो, उसमें हमने तीन प्रकार के सेंटेंस पढ़े, एक पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल। आशा करता हूं कि आपको ये जो हमने टॉपिक पढ़ा समझ आया होगा। आगे वाले के वीडियो तक के लिए धन्यवाद।